हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास पर। आयुष में आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 3 का एक्सरसाइज 57 का सॉल्यूशन। जैसा कि हम लोग मेरे वीडियो में कमेंट करके बताया गया है, एक लड़का है रुखसार हुसैन नाम का, अब पता नहीं उसके जिम उसका नाम से जिमेल है, ठीक है। उसने मुझे कॉमेंट करके बताया, बोला है सर एक्सरसाइज 57 58 59 रुखसार आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे वीडियो पे कमेंट करने के लिए और कुछ आगे वीडियो मांगने के लिए। ऐसे ही जो वीडियो ये देख रहे हैं वो बच्चा भी अगर कोई दूसरा एक्सरसाइज का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 57 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है राइट द टाइम शॉन बाय क्लॉक, मतलब घड़ी में कितना बज रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। बज रहा है मतलब कितना समय हो रहा है, बहुत को बजना बजना, हम जैसे बिहार से हैं तो ज्यादातर हमको बजना बजना, कितना बजा कितना बजा ऐसा बोल लेते हैं, कितना समय हुआ ये शुद्ध हिंदी हुआ है ना। तो हम बार बार अगर मैं मुझसे निकल जाएगा तो इतना बजकर इतना मिनट हुआ, तो इसका मतलब इतना समय हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में, अच्छा 1 पर जाने से पहले हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि एक घड़ी में दो सुई होते हैं, दो हैंड होते हैं, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली, ठीक है। तो ये बड़ी वाली को मिनट हैंड कहते हैं, बड़ी वाली को क्या कहते हैं बाबू, मिनट हैंड, जो कि हमको मिनट बताती है, और ये छोटी वाली आवर, घंटे, कितने घंटे कितने बजे है ना, कितना समय हुआ, तीन 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 ओ क्लॉक, चार ओ क्लॉक, पांच ओ क्लॉक, कितने बजे। तो ये घंटा बताता है कि एक घंटा दो घंटा, आपको अपने घर से 10 किलोमीटर चलने में कितने घंटे लगे, तो फिर आप बताइए, ये आवर आवर हैंड बताते हैं, ठीक है। तो सब और एक बात और ध्यान में आप लोग को रखना है कि यहाँ पे जैसे कि जब 12 पे ये मिनट हैंड रहती है, जब 12 पे मिनट हैंड रहती है तो इट मीन्स 0 मिनट, उसका मतलब क्या होता है 0 मिनट। और फिर एक 12 से 1 के बीच में 5 मिनट होते हैं टोटल, 1 से 2 के बीच में भी 5 मिनट, 2 से 3 के बीच में 5 मिनट। तो 0 12 से काउंट होता है, 12 पर से 0 काउंट होता है और उसके नेक्स्ट सारे 5 5 5 5 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ना 5 का टेबल पढ़ रहे हैं, 5 5 5 5 2 10, 5 2 15, 5 4 20, 5 5 25। तो जब भी जहाँ पे मिनट हैंड रहेगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग को मिनट निकल जाएगा कि वो कितना मिनट हुआ, ठीक है। अगर सिंपल 0 मिनट है तो सिर्फ हम लोग को मिनट भी नहीं लिखना होता है, डायरेक्ट कितना बज रहा है वो लिखना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिनट हैंड 12 पे है और आवर एंड 5 पे है, तो आवर 5 मतलब 5 o'clock हो रहा है, मिनट 0, तो सीधा आंसर में यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी 5 o'clock, समझे। यहाँ पे देखिए आवर एंड 7 पे, मिनट एंड 0 12 पे, तो इसका मतलब 7 o'clock है ना। फिर यहाँ पे देखिए 1 o'clock, 1 o'clock, कोई डाउट नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है राइट द टाइम शॉन बाय द क्लॉक, अब इसमें टाइम बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे मिनट एंड 12 पे नहीं है, मिनट एंड 12 पे नहीं है, तो हम लोग को सिंपल से बताया है सर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद फिर एड कर देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट 6 पे नहीं है, तो 5 6 30 तो होता है ना, 30 के बाद 31 32 33, मान लीजिए 33 पे है ना, तो इसका आंसर में कितना लिखेंगे 33 मिनट पास्ट 1। देखिए आप 1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 1 हो चुका है, अब 1 से 2 पे जा रहा है, तो 2 नहीं लिख सकते, अभी 2 बजा नहीं है, मतलब 2 o'clock अभी नहीं हुआ है, समय 2 नहीं बजे हैं, अभी 1 बज के 38 मिनट हुए हैं, तो उसको लिखते हैं इंग्लिश में 38
मिनट, पास्ट, वन। समझ में आया? अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना, देखिए आवर एंड 10 और 11 के बीच में, आवर एंड 10 और 11 के बीच में, तो 10 o'clock हो गया है। और फिर 35 मिनट्स, 5 से मिले कितना होता है 35, तो 35 मिनट एक्स्ट्रा है, तो लिखेंगे 35 35 मिनट पास्ट कितना 10, 35 मिनट पास्ट 10, मतलब 10:35 हुए हैं। अच्छा, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, देखिए 11 बजने में कितने मिनट कम है, 11 बजने में कितने मिनट कम है, ये यहाँ से नहीं लिखा जाता, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ से 5 0 5 10 15 20 25, 25 मिनट अभी बचे हुए हैं 11 बजने में, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 मिनट्स टू 11, मतलब 11 बजने में अभी 25 मिनट बाकी हैं। तो इसी तरह चलते हैं, अब सीधा हम लोग आंसर पे चलते हैं, सीधा अब सिर्फ आंसर बताएंगे। जैसे यहाँ पे आवर एंड 7 और 8 के बीच में है, तो 7:20 हुआ है, तो 20 मिनट्स पास्ट 7। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर डी में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी में क्या कहता है, 3 नहीं सॉरी 3 पे तो ये मिनट हैंड है, तो 8:15 हुआ ना, 5 3 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 मिनट पास्ट 8, ये हो जाएगा। अच्छा, जब मिनट जब 15 पे, 30 पे, 45 पे रहता है, तो इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। जैसे ये 3 पे पास्ट में, मतलब 8:15 हो रहा है, तो इसको लिखेंगे ए क्वार्टर पास्ट 8। क्या लिखेंगे? ए क्वार्टर पास्ट 8। तो क्वार्टर पास्ट सर क्यों लिख रहे हैं, क्वार्टर किसको कहते हैं सर, ये हमको पहले समझना है। तो देखिए बाबू, ये क्वाड है, जैसे 12 और 6 के अगर चार भाग में बांटते हैं, तो 12 पे 3 पे 6 पे और फिर 9 पे और इस पे आता है, तो ये एक क्वार्टर है। ये कितना है, 15 मिनट्स को क्या कहेंगे, एक क्वार्टर। अब हंड्रेड्स का अगर मान लीजिए 100 मिनट होता, तो उसका क्वार्टर कितना होता, 25 मिनट, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, इसीलिए इसका 60 मिनट का क्लॉक में 15 मिनट उसका क्वार्टर हुआ, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, क्वार्टर का स्पेलिंग गलत है थोड़ा, AQUARTER, क्वार्टर, ए क्वार्टर पास्ट 8, मतलब 8:15 हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये हाफ हुआ, 60 मिनट का आधा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये स्मॉल हैंड जो आवर हैंड है वो 5 और 6 के बीच में है, और ये मतलब 6 बजने वाला है, 6 बजने में कुछ मिनट लेफ्ट लेफ्ट है, तो ये 5 मिनट इधर हो गए, और 7 मिनट बचे हैं 6 बजने में, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 मिनट्स टू 6, मतलब 6 बजने में अभी 7 मिनट बाकी हैं। ठीक है, अब ये देखिए आगे, ये 9 o'clock पे ये मिनट हैंड है, सॉरी आवर हैंड है, और 1 पे मिनट हैंड है, तो 5 * 5, तो ये 5 मिनट हो गया, 9, मतलब 9:05 हुए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मिनट्स पास्ट 9। तो एक बात आप बस ध्यान में रखिएगा कि कुछ कितना बज के, मतलब जैसे मान लीजिए 6 बज गए हैं, 6 समय हो गए, 6 बज गए हैं, 6 बजने के बाद जितने भी मिनट होते हैं, तो फिर पास्ट लिखते हैं, और कुछ बजने वाला है फ्यूचर में, तो उसमें 2 लिखते हैं, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
ये थोड़ा सा आधा ही आया है, 1 मिनट। अच्छा, इसमें बताना है, मैं बुक से देख लेता हूँ क्या बताना है। थोड़ा सा इसमें कट गया है। ड्रॉ द हैंड्स ऑन ईच क्लॉक फेस टू शो द टाइम। अच्छा, टाइम लिखा हुआ है और उसमें आपको मिनट एंड और आवर एंड को दर्शाना है। ये दो क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा, हम ये 4 क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे देखिए 10 o'clock हो रहा है, तो 10 o'clock जब हो रहा है तो इसका मतलब मिनट 0 है। तो कहाँ पे 0 होता है? 12 पे। तो ये बड़ी वाली सुई, बड़ी वाली हैंड 0 पे हो जाएगा और फिर छोटी वाली 10 पे होना चाहिए। तो ये रहा, सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे एक स्केल ले लेना चाहिए, स्ट्रेट हैंड स्केल। ये बड़ी हैंड हो गई और ये स्मॉल हैंड, ये बज गया आपका 10 o'clock, ठीक है? अब 4 o'clock, सॉरी, इसमें भी बड़ी वाली सुई 12 पे रखेंगे और फिर छोटी वाली सुई 4 पे रखेंगे, तो ये हो गया 4 o'clock। 1:15 to 10 मतलब 10:15 अभी बाकी हैं, 10:15 बाकी हैं। तो देखिए, ये सॉरी, हाँ, अब देखिए 10:15 बाकी है, तो मिनट हैंड कहाँ पे होगा? 9 पे। मिनट हैंड कहाँ होगा? 9 पे। और स्मॉल हैंड, सॉरी, हाँ, जो स्मॉल हैंड है वो 9 और 10 के थोड़े से बीच में होंगे, ताकि अभी 10 बजा नहीं है, बजने वाला है, 15 मिनट कम है। उसके बाद फिर क्या, 12:30 मतलब 12:30, आधा घंटा हो गया है, 12 बजने के बाद आधा घंटा हो गया है। तो छोटी वाली कांटे जो है वो 12 और 1 के बीच में होंगे और बड़ी वाली हैंड जो है वो 6 पे होगा, ठीक है? ये हो गया आपका एक्सरसाइज 57 कंप्लीट। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।